हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र सिंह, लेक्चरर सिविल, जीपीसी बूंदी से, टीटीसी जोधपुर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग कर्व्स में रेक्टेंगल विधि से पैराबोला ड्रॉ करेंगे। मान लिया जाए कि अपने एक रेक्टेंगल हमने डिजाइन किया है, इसकी डायमेंशन हमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगी, इसकी हाइट अपन को गिवन होगी और इसका लंबाई इसकी गिवन होगी। अपने पास हाइट है और ये गिवन होगी। अब हम इस रेक्टेंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है कि हमने ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट प्राप्त कर लेंगे P0। ये हमने P0 प्राप्त कर लिया है। अब ये हाइट जो दी गई है, ये चार बिंदुओं की सहायता से हम इसको पाँच बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये चार बिंदु हैं 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही चार बिंदु हम यहाँ पर लेंगे और इसको भी बराबर पांच भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने प्राप्त कर लिया 1-2-3-4। अब हम क्या करेंगे कि P0 को 1 से मिलाएंगे तथा 1- से एक लंबवत रेखा खींचेंगे जो यहाँ कहीं मीट करेगी। इस प्रकार हम P1 प्राप्त करेंगे। P0 से 2 को मिलाएंगे और 2- से एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो P2 प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हम P3 भी प्राप्त कर लेंगे। सेम प्रोसेस से P4 भी प्राप्त करेंगे और लास्ट में हमें ये P5 यहाँ मिल जाएगा। सेम मेथड को हम बचे हुए हाफ पोर्शन में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके हम यहाँ से P1- P2- P3- P4- एंड P5- प्राप्त कर लेंगे। इन सभी को पेंसिल की सहायता से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला की रचना कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार हम पैराबोला की रचना कर पा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।